नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति को अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं होती रहती हैं, जिनमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक आम समस्या है। और जिन लोगों के दोस्तों कब्ज हो जाती है, उनको हेल्थ से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि भाई पाइल्स एक आम समस्या है। जिन लोगों के कब्ज रहती है, उनके पाइल्स होना निश्चित है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लैक्टुलोज सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कहिए या सिरप कहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही भैया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि भाई ये जो लैक्टुलोज है, ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, ये एक लैक्सेटिव क्लास की मेडिसिन होती है। मेडिकल स्टोर पे ये किस नाम से मिलती है, तो इसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो है दोस्तों डुफेलैक। डुफेलैक सिरप इसकी आती है, जो कि मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी, आप इसे बाई कर सकते हैं। वहीं पे भैया अगर हम बात करें कि इसका यूज़ क्या है, उपयोग क्या है इसका, तो दोस्तों इसका जो पहला उपयोग है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है और अपनी डाइट में सुधार करने के बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, बहुत जो मल है वो बहुत कड़ा हो गया है, मल पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में ये सिर्फ डॉक्टर उस मरीज को रिकमेंड करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगली जो कंडीशन है वो है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ये एक लीवर की बीमारी है और इसमें होता है कि दोस्तों जो पेशेंट होता है उसको कंफ्यूजन होना, ट्रीमर होना, और दोस्तों जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो कम हो जाना, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, जब इसका उपयोग किया जाता है तो आपके ब्लड में जो अमोनिया है उसका लेवल भी डिक्रीज होता है। अमोनिया हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए दोस्तों ये सिर्फ अमोनिया को बाहर निकालती है, जिससे जो हमारा ब्रेन है वो अच्छे से काम कर पाता है। तो यही है इसके उपयोग। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भाई इसको उपयोग कैसे करना है। उपयोग करने का जो समय है वह है दोस्तों सोने से पहले। सोने से पहले इसका उपयोग किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों इस दवाई का जो इफेक्ट है वो आने में 8 घंटे लगभग लग जाते हैं। इसलिए जब आप इसे शाम को उपयोग करते हैं, तो सुबह जब आप लैट्रिन जाते हैं तो आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ हो जाता है, स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, आपको 20 से 30 ml सिरप अडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ रात में सोने से पहले लेना है, और बहुत सारा खूब सारा आपको पानी भी साथ में पीना है, तभी ये सिरप अच्छे से काम कर पाएगी। अब भाई बात करें अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वह है दोस्तों फ्लैक्चुलेंस, मतलब गैस ज़्यादा बनना आपके पेट में और गैस ज़्यादा निकलना, ये इसका बहुत ही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। साथ ही दोस्तों पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, पेशेंट को डायरिया हो जाना ये भी होना कॉमन है। ये लक्षण टाइम के साथ चले जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई सावधानियाँ क्या रखनी है। सावधानियों में दोस्तों यही शामिल है कि भाई अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है तो इस दवाई का उपयोग ना करें, और दोस्तों अगर आपको पेट से जुड़ी अदर कोई समस्या है तो यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो लैक्टुलोज सॉल्यूशन के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।